यू पी एस सी प्रियम्स स्ट्रैटेजी मेन थिंग वर्सेज मल्टीपल थिंग्स स्टूडेंट योर हार्ड वर्क डज नॉट गारंटी योर सेलेक्शन क्या आप जानते हैं कि आपके ज़्यादा पढ़ने से आपके सेलेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है पर हाँ जब आपने कोई फोकस स्टडी की है तो देर वुड हाई प्रोबॉलिटी दैट यू गोइ टू क्रैक यू पी एस सी प्रियम्स एंड मेन्स एग्जामिनेशन पर ये फोकस स्टडी आज के समय में जब हम फ्लडेड ऑफ आइडिया से गुजर रहे हैं जहां पर वी हैव टू मैनी डिस्ट्रक्शंस इस फोकस स्टडी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है यह डिफिकल्टी और भी हो जाती है जब हमारे आज के दौरान जो स्टडीज़ हैं ऑनलाइन बेस्ड हैं और इस ऑनलाइन बेस्ड स्टडीज में अपने आप को फोकस कैसे रखें उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रैटी लेकर के आया हूँ सपोज इन ए गिवन डे यू आवर्स फॉर योर स्टडीज अगर एक दिन में आप बारह घंटे की पढ़ाई करते हैं तो अपने उस फेज़ को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग्स शुरू के छः घंटे का जो फेज है आप उसमें मेन थिंग को ही फोकस कर सकते हैं मेन थिंग में मेरा कहने का मतलब है कि आप यू कैन डिवोट अ फोकस स्टडी न फोकस स्टडी का यहाँ मतलब यह है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं और फोकस स्टडी हियर डज नॉट मीन यू डू नॉट हैव अ चॉइस टू हैव अ मल्टीपल इवेंट्स आप एक सब्जेक्ट में मल्टीपल आस्पेक्ट्स से डील कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस पर एम सी क्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं उस पर नोट्स डेवलप कर सकते हैं उसमें वीडियोज़ देख सकते हैं पर उस फेज़ में केवल आपको मेन थिंग या मेन सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है और यही आपके सिलेक्शन का की ड्राइवर होगा क्योंकि एक रिसेंट स्टडीज़ में ये पता चला है कि जब हम किसी एक चीज़ में फोकस करते हैं तो हमारी जो स्टडी होती है वो स्पीड अप हो जाती है और हम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी जल्दी समझ पाते हैं और ऐसा स्टडी डीप वर्क के लेखक कार्ल न्यूपोर्ट ने किया है डीप वर्क आजकल एक बहुत फेमस बुक है जो काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है इस पर आप इसके डिटेल देख भी सकते हैं न इस बुक की स्टडी के अनुसार ये माना गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अपने फील्ड में 200 हंड्रेड आवर्स कि डीप स्टडी करता है तो वो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है और स्टूडेंट हमें ऐसी तो एक्सपर्टीज डेवलप करनी है प्रीलिम्स के बाकी सब्जेक्ट्स पर नाउ ये तो बात हुई मेन थिंग की आप अपने मल्टीपल थिंक्स को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं उसमें थ्री मीडियम थिंग्स और फाइव लिटिल थिंग्स के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं पर मैं टी के ऊपर एक और भी डिटेल्ड वीडियोज़ लेकर के आऊँगा इसके अलावा भी ये मेरा सजेशन है कि आप अपने जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकूं थैंक यू